वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8, ठीक है, 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है साउंड, ठीक है, विच इज़ ऑन पेज नंबर 142 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सबसे पहला हम लोग डील कर रहे हैं 8.1 इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों को सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चौथी चीज़ें जो है वो 8.2 से टाइप्स ऑफ वेव से कनेक्टेड है, तो चौथी चीज़ वहाँ पर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं शुरुआत में क्या हम लोग को पहले पैराग्राफ में पहली 3 चीज़ें हम लोग को क्या समझना है। उससे पहले शुरू करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड साउंड। साउंड बोले तो क्या, आवाज़, आप बोलेंगे आवाज़, चाहे वो हॉर्न की आवाज़ हो या कोई चीज़ की गिरने की आवाज़ हो, बात करने की आवाज़ हो, कुछ भी आवाज़ हो उसको साउंड बोलते हैं। अब आपसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या हर एक के कान में बोल रहा हूँ? नहीं, आवाज़ पहुँच रही है, यानी आप में मेरे में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के बीच में से साउंड ट्रेवल करके जा रही है और आप तक पहुँच रही है, सुनाई दे रहा है, बराबर। इसका मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में जो साउंड ट्रेवल कर रही है उसमें, उस दौरान वो कैसे ट्रेवल कर रही है, हमको वो समझना है, कैसे ट्रेवल करके आप तक पहुंच रही है। मतलब मेरी आवाज़ ऐसे सीधा स्ट्रेट जा रही है, अगर सच में स्ट्रेट जा रही है तो बाजू वाले को क्यों नहीं सुनाई, मतलब बाजू वाले को क्यों सुनाई दे रही है, तो फिर खाली सामने वाले को सुनाई देना चाहिए था। हर एक की तरफ क्यों जा रही है उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 8.1 के वेरी फर्स्ट लाइन के बिगिनिंग में ही उसने, मतलब शुरुआत से ही देना शुरू किया है कि आप एक पत्थर लो, यहाँ ध्यान दो, और किसी तालाब में जाकर उसको ड्रॉप करो। जैसे ही सपोज करो ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है और यहाँ पर सेंटर, अप्रॉक्सीमेटली सेंटर में आपने पत्थर को ड्रॉप किए। जैसे ड्रॉप किए तो क्या होएगा, पत्थर डूब जाएगा मालूम है, उसके अलावा क्या होएगा, उसके अलावा आप देखोगे तो वेव्स फॉर्मेशन होगी। आपके बुक में पहली लाइन में लिखा है रिपल्स करके कुछ लिखा है, देखो रिपल्स, रिपल्स को अंडरलाइन करो, लिखो सीरीज ऑफ वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, सीरीज ऑफ वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे आपको वेव्स बनती हुई दिखाई देंगी। अब वेव्स बोले तो क्या, उसकी पूरी डिटेल पर ही डिपेंडेंट है हमारा ये चैप्टर, तो उसको देखेंगे हम लोग। लेकिन क्या हो जा रहा है कि वेव्स फॉर्मेशन हो गई, समझ आया, और वेव्स आगे बढ़ने लगी। अब ज़रा ध्यान से सुनो, जब मैंने पत्थर नहीं डाला था, ठीक है, तो पानी जो था एकदम रुका हुआ था, स्टैगनेंट था, रुका हुआ था, मतलब एकदम सीधा था। पानी डाला तो इसमें लहरें जैसी हुई, बराबर है। जब पत्थर नहीं डाला था, पानी स्ट्रेट था, उसको बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे, रिलेटेड टू वेव्स में बात कर रहा हूँ, रिलेटेड टू वेव्स। पानी अभी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, या तो फिर हम बोलते हैं ओरिजिन पर है। क्या है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या, रिलेटेड टू ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। आप ओरिजिनेट कहाँ से हो, तुम बोलेंगे मैं यूपी से हूँ, या तुम बोलेंगे मैं कर्नाटका से हूँ, मतलब क्या, हमारे बाप दादा वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट हुए, मुंबई में आए, बोलो समझा। आपका ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहाँ से शुरू हुए आप, जहाँ से स्टार्ट हुए आपकी फैमिली वगैरह, वैसा ही पानी या कुछ भी चीज़ कहाँ से शुरू हुआ, समझ में आया, वैसा रहेगा। तो एनीवे, जब पानी अनडिस्टर्ब्ड है, एकदम सीधा है, हल्का सा मूवमेंट रहता है वो छोड़ दो, उस पर ध्यान मत दो, लेकिन पानी स्ट्रेट है, बराबर है, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिन। इतना समझा, जैसी पानी डाले इसमें आ गया वेव्स, जैसी वेव्स डाले तो देखो वेव्स क्या करता है, अपने ओरिजिन से, अब ओरिजिन समझ में आया, जो नॉर्मल लाइन थी, अपने ओरिजिन से उठकर ऊपर आता है और फिर नीचे भी जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, कुछ समझ में आया। एंड लाइक दिस इट फॉर्म्स अ वेव। तो वेव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक लाइन बनाते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, समझ में आया। और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्चुअली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द ओरिजिनल लाइन, जब पानी रुका हुआ था। आप सोच रहे सर साउंड बोलकर पानी में कहाँ घुस गए, क्योंकि साउंड में हमको वेव्स बनती हुई नहीं दिख रही, इसीलिए सहारा लिया गया पानी का, क्योंकि पानी में बनती हुई दिख रही है,
बातों में बोलूंगा तो नहीं समझेगा कि वेव्स कहाँ से जा रही, कैसी जा रही है, मगर पानी से बोलूंगा समझ में आएगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि पानी में दिखता है, ठीक है। तो याद रखो, पानी जब पत्थर नहीं मारे थे तब पानी ऐसा था, स्टैग्नेंट था, ओरिजिन पे था या इक्विलिब्रियम पे था। जैसे पानी मारे, अब ये जो ब्लू चॉक से मैं बना रहा हूँ, ये इसका डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। बोलो समझा, आगे भी जाएगा, बोलो समझा। याद रखो मेरे से ये छोटा बन गया, ये ऊपर बन गया, ऐसा नहीं है। अगर ये सपोज करो ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर है तो ये भी ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, शर्त लगा लो ये भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अरे समझा कि नहीं समझा? ध्यान नहीं था तेरा, समझा कि नहीं समझा? समझा आप लोगों को? डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होगा वो पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक मतलब क्या? मतलब वापस से रिपीट होगा। जितना यहाँ रिपीट हुआ उतना यहाँ रिपीट होगा, जितना यहाँ रिपीट हुआ उतना वहाँ रिपीट होगा, डिपेंडिंग अपॉन मतलब उन लोगों का डिस्टेंस ओरिजिन से। तुम लोगों को समझ रहा है? समझ रहा है। ऊपर के हिस्से को बोलते हैं क्रेस्ट या क्रिस्ट बोलते हैं कुछ लोग, और नीचे के इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH मेरे ख्याल से, ठीक है, ट्रफ बोलते हैं। तो इसको बोलते क्या? क्रिस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं, ये याद रखो। एक क्रिस्ट और क्रिस्ट एंड ट्रफ कभी भी अल्टरनेटली फॉर्म होता है। क्रिस्ट और ट्रफ कभी भी अल्टर, ऐसा नहीं कि खाली क्रिस्ट ऐसा नहीं होगा। तो आप अगर देखोगे पानी में भी हम लोग देखेंगे ऐसी ऐसी लहरें बनती है। बोलो है क्या नहीं? है ना। अब पत्थर तो गिरा था सेंटर में, मगर आवाज़ हर जगह वेव्स हर जगह बन रही है। इससे ये साबित हो रहा है कि हमारी साउंड भी ऐसा ही प्रोपगेट हो रही है। प्रोपगेट मतलब क्या? फैलना। प्रोपगेशन मतलब फैलना। तो हमारी साउंड भी सिर्फ स्ट्रेट नहीं जा रही है सामने वाले को, हमारी साउंड जा रही है लाइक अ वेव्स, जैसे कि पानी में पत्थर मारे। इसलिए पीछे वाला भी सुनाई दे रहा होगा, बट उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसको थोड़ी कमज़ोर आवाज़ पहुँच रही होगी। इंटेंसिटी हाई मतलब क्या? एकदम लाउड। और इंटेंसिटी कम मतलब क्या? कम एज कम्पेयर टू ओरिजिन। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पानी के अंदर पत्थर को ड्रॉप करके यहाँ पर समझाया जा रहा है कि साउंड भी हर तरह से फैल सकती है, साउंड भी वेव की तरह ट्रैवल करती है। और वेव वो होता है जिसके अंदर अल्टरनेटली क्रिस्ट एंड ट्रफ बनता है। अगर क्रिस्ट की जो हाइट रहेगी अपने इक्विलिब्रियम से, उतनी ही क्या ये ट्रफ की जो है हाइट होती है इक्विलिब्रियम से। समझ रहे हैं? इसका डायमीटर जितना होता है, डायमीटर मतलब समझा ये इतना जितना होगा इसका, ठीक है, वही उसका भी डायमीटर होगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? तो ये होता है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पत्थर मारा गया पानी के अंदर, अब जरा ध्यान से सुनो, उससे पहले मैंने पत्थर मारने से पहले सपोज करो थर्मोकॉल या थर्मोकॉल का छोटा सा टुकड़ा और पानी में रख दिया, यहाँ पर रखा पत्थर मैंने, यहाँ ड्रॉप किया। समझ में आया? अब लहरें शुरू हो गई, वेव्स बनना शुरू हो गई। आप खुद सोच के बोलो, एज्यूम करो, कभी देखे होंगे कि हाँ कोई चीज़ पानी के ऊपर है, वेव्स आ रही है, ऐसा देखे तो होंगे। आप खुद बोलो कि वो जो थर्मोकॉल है वो यहाँ पर था, वो वेव जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो उसके साथ आगे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या वहीं पर दिखाया मतलब वहीं पर है ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? वो आगे नहीं जाएगा, हल्का सा आगे पीछे हो सकता है, वेव के साथ किनारे तक नहीं जाएगा। शर्त लगा लो, यकीन नहीं है अभी भी, अगर आसपास तालाब है या कुछ है, या पानी में छोटी सी बाल्टी में पानी लो, उसके अंदर कोई हल्की सी चीज़ डालो जो डूबे नहीं, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि थर्मोकोल, और उसके थोड़ी सी दूरी पे पानी में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करो या कुछ ड्रॉप करो, वेव्स बनेगी, वो हिलना शुरू होगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। थोड़ा सा मे भी चले जाए, आगे नहीं जाएगा। बोलो समझा? समझा कि नहीं समझा? इससे एक बात साबित होती है कि जब हम लोग पानी में पत्थर ड्रॉप करते हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी का नाम बोले नहीं है, मगर इट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक टू मूव मतलब एक पार्टिकल मूव हुआ, उसके बाजू में दूसरा पार्टिकल है, उसको धक्का पड़ा वो हिलने लगा, उसके बाजू में तीसरा पार्टिकल है वो हिलने लगा, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि एनर्जी मिली पत्थर के ड्रॉप करने से पहले वाले पार्टिकल को। देखो इसको बताता हूँ, सपोज करो यहाँ पर वो पत्थर है, मैंने ड्रॉप किया, तो पानी के सरफेस पे जो जो भी पार्टिकल इसके कॉन्टैक्ट में वो डिस्टर्ब होगा, वो हिलेगा तो उससे चिपक के दूसरा पार्टिकल है, फिर वो हिलेगा। ऐसा करते करते डिस्टर्बेंस विल ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर।
डिस्टर्बेंस ट्रेवल और एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर बट पार्टिकल रिमेन्स देयर ओनली. पानी का पार्टिकल वहीं पर रहेगा और क्या करेगा, इट विल ऑसिलेट. इट विल वॉट ऑसिलेट, कीप ऑन ऑसिलेटिंग. आप बोलेंगे सर ऑसिलेट वर्ड का मतलब नहीं समझा. ऑसिलेट मतलब क्या, टू स्विंग. तो बोलेंगे सर स्विंग का मतलब नहीं समझा. स्विंग मतलब क्या, झूला देना. झूला देना, झूला देते हम लोग क्या करते हैं हम लोग, सपोज करो बीच में से ये जब रस्सी एकदम सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी एंगल नहीं बनाएंगे, अब हम लोग क्या करते हैं ऐसा धक्का देते हैं उसको, आगे लेके जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, या पीछे लेके आते हैं छोड़ देते हैं. तो क्या हो रहा है, अपनी ओरिजिन या इक्विलिब्रियम पोजिशन से ये आगे गई फिर पीछे आई, आगे गई पीछे आई, मगर अपनी जगह से नहीं हिली. जो ब्रांच पे लगी है रस्सी वो वहीं पर है, ऐसा नहीं वो आगे गई ताला के घर पे गई फिर पीछे, ऐसा नहीं है. समझ में आया, तो क्या हो जा रहा है, याद रखो कभी भी याद रखो कि वेव्स जब फॉर्म होती है तो वेव्स के पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर नहीं जाएंगे. पानी के पार्टिकल्स वहीं पर नाच रहे हैं, नाच रहे मतलब क्या, ऑसिलेट हो रहे हैं. पानी के पार्टिकल एज्यूम नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने तुम लोगों को बोला कि भाई कोई प्लास्टिक की चीज़ या थर्मोकॉल रखो, तो उससे समझ में आएगा कि पार्टिकल्स रिमेन देयर ओनली बट व्हाट इज गेटिंग डिस्टर्ब या व्हाट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, एनर्जी. एनर्जी इज बीन ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, इन फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस. समझ में आया, तो एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड नॉट द पार्टिकल. तुम लोगों को समझा, पहले पॉइंट में हमको ये याद रखना है. समझ में आ गया कि यार जब कभी भी वेव फॉर्मेशन होती है तो क्या ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसफर नहीं होता. सबसे पहले हाँ, एनर्जी ट्रांसफर होगी और क्या ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टिकल विल रिमेन एट इट्स प्लेस. तो क्या कर रहा है वो यहाँ पर खड़े रहके, ऑसिलेट कर रहा है. ऑसिलेट मतलब क्या, स्विंग होना. स्विंग मतलब क्या, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, अगर वर्टिकल है तो, और अगर हॉरिजॉन्टल है आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे आना. बोलो समझा सवाल. देखो सबसे पहला पॉइंट मुझे ये बोलना था इसके अंदर कि जब कभी भी वेव्स फॉर्म होती है उस टाइम पर पीरियोडिक वे से जो है क्रिस्ट एंड ट्रफ बनते हैं. पीरियोडिक वे से क्या बनेंगे, क्रिस्ट एंड ट्रफ बनेंगे. समझ आया, मतलब पीरियोडिक मतलब क्या सर, मतलब तो क्रिस्ट एंड ट्रफ बन रहे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर एक यहाँ ध्यान दो यहाँ से लेके यहाँ, देखो ध्यान से सुनो, एक वेव कब कंप्लीट होता है, एक पूरा क्रिस्ट एक पूरा ट्रफ मतलब एक पूरा वेव. समझ में आया, वन क्रिस्ट प्लस वन ट्रफ इज इक्वल टू वन वेव. ये मतलब क्या, ओरिजिन से पूरा वापस ओरिजिन पर इज इक्वल टू व्हाट, वन वेव हो जाएगा. और इसकी लेंथ को बोलेंगे वेव लेंथ, इसके डिस्टेंस को बोलेंगे क्या, वेव लेंथ, या वेव डिस्टेंस भी बोल सकते हैं. बोलो समझा कि नहीं समझा, तुम लोगों को समझा नहीं समझा सर. देखो यार वेव कैसा बनता है, एक क्रिस्ट को मिलाकर ओरिजिन से शुरू करेंगे अगर, तो एक क्रिस्ट को मिलाकर प्लस एक ट्रफ को मिलाकर बनेगा क्या, एक वेवलेंथ. अब जब यहाँ से यहाँ तक ये गया कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको बोलेंगे लेंथ. वो लेंथ क्या है, वेवलेंथ. कदम वेव की कितनी लेंथ है, इतनी है इतनी है इतनी है, विडो नो. समझ में आ गया तुम लोगों को, तो ये हो जाता है क्या, वेवलेंथ. तो एनीवे पहले पॉइंट में हमको बोलना है कि पीरियोडिक मोशन, वेव क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है जिसके अंदर एक क्रिस्ट एक ट्रफ अल्टरनेटली बनते रहता है, एक क्रिस्ट एक ट्रफ अल्टरनेटली बनता है. दूसरा आपको क्या बोलने का है कि देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओनली. फर्क देखो यहाँ लिख रहे हैं यहाँ नहीं लिख रहे लड़के लोग, बस यही वजह है कि फर्क देखो रिजल्ट में. समझ आया, रिजल्ट में भी फर्क आ जाता है. समझ आया, तो याद रखो. अभी देखो थोड़ी देर कॉपी करेंगे दीवार के, बस रे कट करना पड़ेगा. समझ में आ गया, ओ एक मिनट. दूसरा पॉइंट क्या है कि देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और डिस्टर्बेंस, या एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस. देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस. थर्ड क्या बोलेंगे, बट पार्टिकल विल रिमेन एट इट्स प्लेस. बट पार्टिकल विल
will remain at its place. तो क्या करेगा? Keep on oscillating, keep on oscillating. समझ में आया? What is oscillation? Swing. Swing मतलब या झूला. बोलो समझा. अभी चौथा जो बोल रहा है ये थोड़ा अलग बोल रहा है. ये बोल रहा है कि हर वेव को वेव्स को कुछ कुछ वेव्स को पास होने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए और कुछ वेव्स को पास होने के लिए मटेरियल मीडियम की गरज नहीं. मटेरियल मीडियम मतलब क्या? जैसा मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ को क्या चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक एयर चाहिए, इसमें से ही पास होगी. वैक्यूम में आवाज पास नहीं हो सकती, वैक्यूम में से आप चिल्ला आवाज नहीं आएगी. समझा? समझा कि नहीं समझा? आप बोलेंगे सर फिर बिजली की आवाज कैसे आती? वो वैक्यूम से नहीं आ रही, वो एटमॉस्फेरिक के अपर लेयर पे है, वहीं से आ रही, वहां पर गैसेस है. तो समझ में आ रहा है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. क्यों? क्योंकि उसको मटेरियल मीडियम चाहिए. साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, ये याद रखो. तो इस बेसिस पे दो टाइप के वेव्स, बल्कि तीन टाइप के वेव्स बोला है. एक्चुअली दो टाइप ही बोलना चाहिए लेकिन तीसरा टाइप बोला है उसने. तो याद रखो, डिपेंडिंग अपॉन वेव्स को मटेरियल मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए, देखा जाए तो बेसिकली वो दो ही टाइप के होते हैं. मैं बोलता हूँ कौन से होते हैं, तीसरा बोला है उसको भी समझा दूंगा, ये हटा दूँ, वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है. तो याद रखो, देखो हाँ, पेज नंबर 142 लेफ्ट हैंड साइड में है. और टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है, क्या है ये टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स के टाइप्स क्या है, ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, मटेरियल मीडियम मतलब पास होने के लिए उसको क्या मटेरियल वाला मीडियम चाहिए वगैरह वगैरह. अब इसकी भी प्रॉपर्टी देखेंगे कि मटेरियल मीडियम किस प्रॉपर्टी का होता है, वो सब बाद में देखेंगे. पहला, सबसे पहला देखो क्या बोला गया है, मैकेनिकल वेव्स. पहला क्या बोला गया है, मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स मतलब क्या? ये वेव्स जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है, जिसको मटेरियल मीडियम चाहिए अपने वेव्स को फॉर्म करने के लिए, उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव्स. अगर नहीं समझ रहा होगा तो मैं एकदम इजी वे से बोलता हूँ. फिजिक्स में, ध्यान से सुनो, फिजिक्स में मैकेनिक्स मैकेनिकल वर्ड आया, ध्यान से समझ जाना, या तो प्रेशर या तो फोर्स. अभी जब मैंने पानी में पत्थर डाला तो पानी ने क्या किया, उसके पानी के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, उसके ऊपर प्रेशर या फोर्स लगाया, जिस वजह से वो हिला, उसने अपने बाजू वाले से प्रेशर लगाया और ऐसा ऐसा करके पूरी वेव्स बनी. कुछ समझ रहे कि नहीं? धक्का मुक्की क्यों हुई? क्योंकि मैंने प्रेशर दिया या फोर्स लगाया तो उसने बाजू वाले को लगाया, उसने अपने बाजू वाले को. तो मैकेनिकल वेव्स क्या करता है? मैकेनिकल वेव्स मतलब क्या? जो पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, अगर पार्टिकल है इसका मतलब कि वो क्या है, मटेरियल मीडियम में दे रिक्वायर अ पार्टिकल. कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोगों को? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिसमें क्या होता है, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है. दूसरा क्या रहेगा, नॉन मैकेनिकल, जिसको EM वेव भी बोला गया है. नॉन मैकेनिकल वेव्स जिसको EM वेव्स भी बोला गया है, इसके अंदर दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू पास. अब इसने EM बोला है, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक क्या ये, और M stands for magnetic, यानी electromagnetic waves जो आती है कई astronomical object से या सूरज से. तो याद रखो वो waves जब हमारे इधर पहुंचती है, they pass through vacuum as well, बराबर है. अब आप बोलेंगे सर चलो ठीक है, वहाँ पर material medium नहीं है, मगर जैसे अर्थ की तरफ आए वहाँ पर material medium है. उन लोग को material medium हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए बोलते हैं कि मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, रहेगा तो भी पास होएगा, नहीं रहेगा तो भी पास होगा. लेकिन मैकेनिकल वेव्स में अगर मटेरियल मीडियम टूट गया, मतलब मैं यहाँ से आवाज़ मारूंगा सूरज तक आवाज़ जा रही है नहीं जा रही, ऐसा भी पहुँचती नहीं है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को. दो टाइप की वेव्स है कि उसको पास होने के लिए या प्रोपगेट होने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए. अगर चाहिए तो मैकेनिकल वेव्स, अगर नहीं चाहिए तो नॉन मैकेनिकल वेव्स, या उसको बोला गया है EM वेव्स. ई से इलेक्ट्रिकल, एम से मैग्नेटिक, ठीक है. और तीसरा वाला जो बोला है, ये बोला है कौन सा,
मैटर वेव्स, ये आपको आगे आने वाला है या शायद अभी आ गया होगा मेरी, अगर नहीं तो ट्वेल्थ में आ जाएगा। मैटर वेव्स, मैटर वेव्स मतलब क्या, ये बोल रहा है हर मूविंग ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनो, हम लोग किससे बने, कुछ ना कुछ मैटर से बने, कुछ ना कुछ मटेरियल से बने। ये बोलता है हर एक मैटर से बनी हुई चीज अगर वो मूव करती है, हर वो ऑब्जेक्ट जो मैटर से बनी हुई है वो चीज़ जब मूव करती है वो भी वेव क्रिएट करती है। बस फिलहाल इसके बारे में इतना ही है, आगे कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं फिलहाल यहीं रोकता हूँ। समझा या नहीं समझा? हाँ, ये किसके ऊपर डिपेंड है, मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए। अब एक और दो टाइप के वेव्स बता रहा हूँ, याद रखो टाइप्स ऑफ वेव बहुत पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए जानना पड़ेगा कि कौन सा वाला पॉइंट है, ठीक है। ये हटा दूँ, टाइप्स ऑफ वेव्स, वापस अभी भी 8.1 ही चल रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है, लेकिन किसके ऊपर बेस्ड है याद रखो, उसके ऑसिलेशन के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन ऑसिलेशन या फिर बेस्ड ऑन प्रोपगेशन, प्रोपगेशन सही रहेगा, बेस्ड ऑन प्रोपगेशन, क्योंकि ऑसिलेशन सब में होता है, बेस्ड ऑन प्रोपगेशन। वो फैल रहा किस तरीके से है, वो फैल रहा किस तरीके से है, उस बेस पे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ वेव्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स दो है। वो फैल रहा किस तरीके से है उस बेस पे क्या है, टाइप्स ऑफ वेव कितने हैं, दो है। एक होता है क्या, एक होता है स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स, याद रखो ये 12th में चैप्टर नंबर 5 में आने वाला है, पूरा यही चैप्टर है, बस साउंड हटा दिया, खाली वेव्स की डिटेल है, वेव्स की पूरी डिटेल है, मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह 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 सब बहुत डिटेल है, समझा, खाली वेव्स, फिर वो चाहे कोई भी वेव्स हो, मैकेनिकल हो, नॉन मैकेनिकल हो, वगैरह वगैरह, एक है, खैर तो अभी आ जाते इधर पर। तो दो टाइप की वेव्स है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपगेशन, एक होता है स्टेशनरी वेव्स और दूसरा होता है प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स, दोनों को बताता हूँ। प्रोग्रेसिव वेव्स, आपके इसमें स्टेशनरी वेव्स को नहीं समझाया गया है, खाली नाम दिया है, राइट हैंड साइड पहले पैराग्राफ के सेकंड लास्ट लाइन में स्टेशनरी वेव्स बोला है, और बोला है कि इसके बारे में आप लोगों को 12th में बोला जाएगा, बोला है कि नहीं बोला है, राइट हैंड साइड के पहले पैराग्राफ के सेकंड लास्ट लाइन में स्टेशनरी वेव्स, दोनों बताता हूँ। प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब क्या, एकदम सिंपल, ध्यान से सुनो, पत्थर लिया, पानी में ड्रॉप किया, जैसी पानी में ड्रॉप किया वेव्स बनी, कुछ देर तक ये बनते रहेगी, बनते रहेगी, बहुत रेयरली, और ये आगे बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, कब तक, जब तक का सामने से उसको कोई रोक ना ले, अगर दीवार या कंटेनर है तो रोक लेगी, हाँ पानी बहुत बड़ा है तो फिर दायरा कभी ना कभी आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मल हो जाएगा। इन शॉर्ट वो वेव्स जो कंटिन्यूसली बढ़ते रहती है, प्रोग्रेस करते रहती है, उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव, बोले समझा, जब तक कि उसको रोका ना जाए, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है ट्रैवलिंग वेव्स, इसीलिए उसका ट्रैवलिंग वर्ड आपके बुक में दिया है, इसके लिए लिख रहा हूँ, इसको ट्रैवलिंग वेव्स भी बोला गया। देखो लास्ट पैराग्राफ पहली लाइन में ही है, ट्रैवलिंग वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स, तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। टू टाइप्स ऑफ वेव्स कैसी प्रोपगेट हो रही है, ठीक है, कि कैसी हो रही है, उस बेस पे दो टाइप के हैं, एक है क्या, प्रोग्रेसिव वेव, जो प्रोग्रेस करते जा रही है, रुक रही नहीं है, बस जा रही है जा रही है, जब तक उसका मटेरियल मीडियम उसको साथ दे रहा है वो जाते, और डिस्टर्बेंस साथ दे रहा है वो जाते जा रही है, जाते जा रही है, वो है क्या, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव कीप्स ऑन ट्रैवलिंग, इसीलिए ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं, बोले समझा। दूसरी जो है उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स, आपने कभी देखे होंगे स्टेशनरी वेव्स में, याद रखो दो वेव्स फॉर्म होती है या दो वेव्स इसमें इन्वॉल्व होती है, एक ऐसे एक इधर को जाएंगी, समझा कि नहीं, और एक दूसरी वेव्स रहती है जो इधर से वापस आएगी, जो इधर से वापस आएगी, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मानो कि ये खाली एट बना रहे, कोई आगे जा ही नहीं रहा, कुछ समझा कि नहीं समझा। वेव्स जब बनती है तो दोनों खाली एट एट बनाएंगी और ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट ये रुकी हुई है, जैसा चश्मा रहता है ना, ऐसा लगा चश्मा चश्मा बन रहा है,
समझ में आया, वो भले ही वो वेव आगे बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, डिस्टर्बेंस के जरिए से एनर्जी आगे बढ़ रही है, पार्टिकल वहीं पर ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन इतना फास्ट वो होती है, ऐसा लगता है एज इफ इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, इसीलिए उसको स्टेशनरी बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोग्रेस नहीं करती है, आगे जाती है, लेकिन स्टेशनरी फिर भी उसको उसके अपीयरेंस पे बोला जाता है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, में आगे बढ़ेंगे। बोले समझा, प्रोग्रेसिव वेव्स यानी क्या है, ये वो वेव्स है जो कंटिन्यूसली आगे बढ़ेगी, बल्कि आगे ट्रैवल करते रहेगी, इसके उसको प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव बोलते हैं। कब तक बढ़ेगी, जब तक कि उसको एक कोई एक्सटर्नली उसको फोर्स लगा के रोक ना ले, बस खत्म। समझ में आया। स्टेशनरी वेव्स में क्या हो जाता है, आपको सेम अमाउंट ऑफ यानी कि सेम वेव फॉर्म होती है, सेम एम्पलीट्यूड होता है, और सेम फ्रिक्वेंसी वाली जो दो वेव्स होती है, अगर वो एक मतलब ट्रैवल कर रही है तो स्टेशनरी वेव्स बनती है। समझ गया, उसको उठाओ, क्या हो गया माइंडर, तुम लोग इतना समझा कि नहीं समझा, ठीक है। फिलहाल इसके बारे में जानना इतना ज़रूरी नहीं है, स्टेशनरी वेव्स। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल वेव्स, ऑलमोस्ट ऑल टाइप की वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। उससे पहले सच सच बोलो, 8.1 समझ में आया या नहीं, हम देखना चाहिए ना। नाउ दिस टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, 8.2 पेज नंबर 142 राइट हैंड साइड में जो है, ये जो है आपको 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ सकते हैं, या वेरी शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन होता है उसके तरीके से पूछा जाएगा 1 मार्क्स, ठीक है। अभी देखेंगे कि यह होता क्या है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये आपने झूला लिया, मैं पहला समझा रहा हूँ, पहला क्या समझा रहा हूँ तो बता दूँ, एम्पलीट्यूड बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है ये एम्पलीट्यूड, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, जब सम वगैरह करेंगे तो हम लोग को इसको बताना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ये हम लोगों ने क्या किया, किसी को झूला दे रहे, इसको झूला दिए, ठीक है। ये झूला अपने सपोज करो यहाँ पर झूला लटका था, झूला और यहाँ पर कोई बैठा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि झूला जो है मैक्स टू मैक्स कितना गया, सपोज करो ये गया 2 मीटर जितना गया, समझ में आया। ये इसका हो गया क्या एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्स से देते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर्म्स एम्पलीट्यूड, खत्म। समझ में आया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपने झूले को ओरिजिन से कितना ज़्यादा आगे फेंके हो, मतलब आगे जाने दिए, अगर वो रिवर्स आया, अच्छा ये इसको बोलेंगे ये बता दे रहा हूँ, 12th में है इसके लिए, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड बोलेंगे इसको, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, अगर वो रिवर्स में आया, ओरिजिन पे आया, ओरिजिन से वापस इधर गया, नेचुरली जब यहाँ पर 2 मीटर गया है, यहाँ पर भी 2, जब तक आप फोर्स बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पर भी 2 मीटर ही जाएगा, अगर फोर्स नहीं बढ़ाएंगे तो ये 2 मीटर ही जाएगा, ये रहेगा नेगेटिव एम्पलीट्यूड। खैर आपको नेगेटिव पॉजिटिव इस साल नहीं बताया तो छोड़ दो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं, ओरिजिन से कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब कितना दूर गया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉर्म्स एम्पलीट्यूड। अगर वो यहाँ से यहाँ आया, रास्ते में अभी पहुँचा नहीं, तो भी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन ये खाली डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर पहुँचने के बाद वापस आना शुरू हो रहा है, समझ जाना वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वॉट एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया, इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सका वो, फोर्स मारेंगे अगली बार तो और ज़्यादा दूर जाएगा, वो अलग बात है, फिलहाल के लिए वो उससे ज़्यादा दूर नहीं गया, तो 2 मीटर वॉज इट्स डिस्प्लेसमेंट। बोलो समझा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी था लेकिन वो मैक्सिमम था, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। समझ में आया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एनीवे यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप समझ जाओ कि कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिन को छोड़कर हाईएस्ट डिस्टेंस जो भी ट्रैवल करेगी एक डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे क्या, एम्पलीट्यूड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, आगे के लिए याद रखो, ओरिजिन पे आएगा, ओरिजिन से वापस से जब जाएगा पीछे की तरफ तो बोलेंगे नेगेटिव एम्पलीट्यूड। बोलो समझा, एम्पलीट्यूड इसी हटा दूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये मैंने झूले के हिसाब से बोला, अब अगर आपको इसके हिसाब से समझना है तो लो इसके हिसाब से देखो, क्रिस्ट का
जो अपर मोस्ट पार्ट है ये है, अब समझा, तो ये होगा इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, और नीचे का जो ट्रफ का जो भी है ये रहेगा इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अरे बोला समझा कि नहीं समझा, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, इसको पॉजिटिव बोलेंगे, इसको नेगेटिव बोलेंगे, खत्म। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पकड़ेंगे, ऐसा मत बोलो कि सर ये और ये मतलब इतना भी और इतना मिला के, वो नहीं समझ में आया, वो नहीं, ठीक है। ओरिजिन से हाईएस्ट रेंज कितना गया, खत्म, बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं डालूंगा। अब दूसरा आ जाता है क्या, वेव लेंथ, ध्यान से सुनो, वेव लेंथ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, अब देखो वेव लेंथ कैसा जा रहा है, कभी ठीक अच्छी नहीं बनती, ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहाँ से शुरू हुआ एक क्रिस्ट, यहाँ से शुरू हुआ एक ट्रफ, इतना जो डिस्टेंस बना डेट इज अ वेवलेंथ, वन क्रिस्ट प्लस वन ट्रफ इज इक्वल टू वन वेव, एंड दिस वेव यानी ये वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसकी लेंथ है, इसलिए उसको बोला जाएगा वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ रिप्रेजेंट होता है लैम्बडा, लेकिन पढ़ते तो बहुत सुनाई नहीं देता लैम्बडा, बोला समझा कि नहीं समझा, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे क्या, लैम्बडा। एक और चीज, तीन तरीके से देखेंगे, यहाँ देखो एम्पलीट्यूड मतलब क्रिस्ट का टॉप, बीच का छोड़ दो, इसका टॉप, इसको भी लैम्बडा बोलेंगे, प्लीज ये याद रखो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, क्रेस्ट भी बोलते हैं, इज नोन एज लैम्बडा या वेवलेंथ, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, यहां पर बना नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज लैम्बडा, इन शॉर्ट लैम्बडा या वेवलेंथ जो है वो तीन टाइप के होंगे, यानी तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक कंप्लीट वेव बनने के बाद वन वेव इज इक्वल टू व्हाट, वन क्रिस्ट प्लस वन ट्रफ इज इक्वल टू वन वेव, तो उसका जो लेंथ रहेगा वेव लेंथ, तो वो लैम्बडा से, समझ में आया। फिर एक क्रिस्ट से लेकर अगले क्रिस्ट, अगले सक्सेसिव क्रिस्ट, सक्सेसिव मतलब क्या, ऐसा नहीं सर उधर वाला पकड़ू तो चौथा वाला, नहीं, बराबर एक ट्रफ के बाद वाला एम्पलीट्यूड पकड़ना है, मतलब क्रिस्ट और क्रिस्ट पकड़ना, समझ आया, सक्सेसिव क्रिस्ट, तो दो सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी लैम्बडा है या वो भी वेवलेंथ है। वैसा ही नीचे आ जाओ, दो सक्सेसिव क्या, एक के बाद एक, दो सक्सेसिव ट्रफ के बाद जो है वो डिस्टेंस को भी लैम्बडा बोलेंगे या फिर वेवलेंथ बोलेंगे। अब सॉरी मैं एक बात बोलना भूल गया, एम्पलीट्यूड जो होता है इसको मीटर में गिनते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को मीटर का एग्जांपल दिया, मगर बोलना भूल गया, ठीक है, मीटर का एग्जांपल दिया लेकिन डिनोट करना भूल गया कि भाई एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर, यानी कि वो उसका ऐसा यूनिट हो गया। वैसे ही वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ भी आपको किस में गिना जाएगा, मीटर में गिना जाएगा, इसका ऐसा यूनिट भी इसका क्या है, मीटर है, एम्पलीट्यूड भी मीटर में रहेगा और वेवलेंथ भी मीटर में रहेगा। बोलो समझा या नहीं समझा। इसके बाद आता है पीरियड, ठीक है, अभी इसको हम लोग पीरियड वाले वर्ड को बाद में देखते हैं, हाँ पहले पीरियड वाले वर्ड को देखना ही पड़ेगा, ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल है, इधर देखो, एक क्रिस्ट प्लस एक ट्रफ इज इक्वल टू, इस एक वेव को बनने कितना टाइम लगा, डेट इज अ पीरियड, खत्म। द टाइम टेकन टू मेक या टू फॉर्म वन वेव इज नोन एज पीरियड, बोलो समझा, कैपिटल टी, समझ में आया, कैपिटल टी, और डेफिनेटली टाइम कभी भी, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है चैप्टर नंबर वन में देखे, वो है सेकेंड्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि भाई इसका यूनिट क्या है, समझ में आया, फिर से बोलता हूँ, द टाइम टेकन टू फॉर्म वन वेव को बनने में कितना टाइम लगा, एक वेव को, अब देखो कंफ्यूज हो सकते हैं। अब मैं इसके बाद
चौथा वाला डबल पीरियोडिसिटी को स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, तो जरा ध्यान दो, ध्यान दो। वन वेव, ठीक है, कितने टाइम में बना इज इक्वल टू पीरियड, बोलो समझा, कैपिटल टी। अब ध्यान से सुनो, अब उल्टा बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड में कितने वेव्स बने इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी, प्लीज़ ये याद रखो। इसीलिए बोला कि ये दोनों कंफ्यूज करते, ध्यान से सुनो, एक वेव को बनने में जो टाइम लगा पीरियड, फिर वो आधा सेकेंड हो या मिनी सेकेंड हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वेव को बनने में जो टाइम लगा वो है पीरियड, पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, उसका ऐसा यूनिट है सेकेंड्स, समझा। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितने वेव्स बने, समझ लोगों को, तो फ्रीक्वेंसी का मैं खाली मिसाल समझा रहा हूँ कि एक सेकेंड में कितने वेव्स बनते हैं उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। एक सेकेंड में कितने क्रिस्टफ यानी एक वेव बन रहा है, एक सेकेंड में कितने वेव बन रहे इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है स्मॉल एन, इसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज, एच और जेड छोटा, एच कैपिटल जेड छोटा, बोलो समझा, ठीक है। पीरियड क्या होता है, कैपिटल टी, पीरियड मतलब क्या, एक वेव बनने में कितना टाइम लगा और वो रहेगा पीरियड, पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, और इसका जो चलो डबल पीरियोडिसिटी, जरा ध्यान से सुनो, ठीक है, डबल पीरियोडिसिटी मतलब क्या, पीरियोडिक इन टाइम, और एंड दूसरा क्या है, पीरियोडिक इन स्पेस, बहुत हो रहे हैं, ठीक है चलो, पीरियोडिक इन टाइम, पीरियोडिक इन स्पेस, इधर देखो एकदम सिंपल है, खाली इस पे ध्यान दो आपको, यानी डबल पीरियोडिसिटी क्यों बोल रहे हैं, यानी वेव जो फॉर्म होती है या वेव जो ट्रैवल होती है वो दो पीरियोडिसिटी बता रही है, पीरियोडिकली दो प्रॉपर्टीज बता रही है, वो क्या है जरा ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो पीरियोडिक इन टाइम, ध्यान से सुनो, अगर सपोज करो स्टार्ट, अगर सपोज करो एक वेव सपोज करो, यानी इसका पीरियड कितना है 1 सेकेंड का, यानी एक सेकेंड में एक वेव बनना मतलब पीरियड, मतलब कि टी, कैपिटल टी, एक सेकेंड में एक वेव बन रहा है, अगला वेव भी एक सेकेंड में बनेगा, उसका अगला भी एक सेकेंड में बनेगा, बोले समझा, कुछ दूरी के बाद वो टाइम चेंज हो सकता है क्योंकि उसका डिस्टर्बेंस आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाएगा, लेकिन शुरुआत में बात करो तुम लोग को समझा, पीरियोडिक इन टाइम, एक वेव एक सेकेंड में, अगला भी एक सेकेंड, उसका अगला भी एक सेकेंड, उसका अगला भी एक सेकेंड, बोले समझा, इन शॉर्ट अगर क्रिस्ट 30 सेकेंड तो ट्रफ 30 सेकेंड, समझ में आया, तो पीरियोडिसिटी इन टाइम हो रहा है कि नहीं, ये भी जितने टाइम में बन रहा है वो भी उतने टाइम में बन रहा है, ये भी उतने टाइम में बन रहा है, तो पीरियोडिसिटी इन टाइम, बोलो समझा, क्रिस्ट एंड ट्रफ बनने का जो टाइम रहेगा, जो पीरियड रहेगा वो सेम रहेगा, इन शॉर्ट एक वेव बनने का जो टाइम रहेगा अगले वेव का भी वही टाइम रहेगा, सिंपल, क्रिस्ट एंड ट्रफ के हिसाब से भी समझ गए, वेव के हिसाब से भी समझ गए, समझा। अब पीरियोडिक इन स्पेस, अरे ध्यान से देखो, इसका जो वेव लेंथ है सपोज करो वो है 0.5 मीटर, अगले का क्या रहेगा 0.5 मीटर, उसके अगले का क्या रहेगा, खत्म, चौथा वाला खत्म, समझा आप लोगों को, स्पेस जितना ये ले रहा है उतना ही स्पेस अगला लेगा, उसका अगला लेगा, तो पीरियोडिक इन स्पेस, और जो फॉर्मेशन हो रहा है उतने सेकंड में अगला भी हो रहा है, उतने सेकंड में उसके अगला हो रहा है, मतलब पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक इन टाइम, बोलो समझा, याद रखो डबल पीरियोडिसिटी मतलब क्या, पीरियोडिक इन टाइम,
एक वेव बनने में कितना टाइम लग रहा है, अगर इसको एक सेकंड लग रहा है अगला वेव भी एक सेकंड में बनेगा, अगर उसका अगला वो भी एक सेकंड में बनेगा, इसीलिए उसको पीरियोडिक टाइम बोला गया। स्पेस मतलब क्या, इसको कितना टाइम मतलब डिस्टेंस लगा, सपोज करो इसको एक मीटर लगा, अगला भी एक मीटर का ही रहेगा, क्रिस्टल ट्रफ मिलाकर एक मीटर रहेगा बस। तो पीरियोडिक इन टाइम, पीरियोडिक इन स्पेस, ये रहेगा स्पेस, ये रहेगा स्पेस, इतना इतना इतना, और पीरियोडिक इन टाइम, टाइम देखते रहो और देखोगे ये कितना बना 30 सेकंड में, अगला कितना बनेगा 30 सेकंड में। समझ में आया, यानी कि पूरा एक वेव एक मिनट एक सेकंड में कंप्लीट हुआ, तो अगला वेव भी एक सेकंड में कंप्लीट होगा, अगला एम्पलीट्यूड जो रहेगा ऊपर वाला वो भी 30 सेकंड का रहेगा। इन शॉर्ट सब कुछ पीरियोडिक इन टाइम है, सब कुछ पीरियोडिक इन, समझा? रुक जाओ गया, कितने लोग चाहते हैं, तुम तो पैर भी ऊपर करेगी रूम वाले में। ठीक है, विथ दिस आई एंड अप विथ माई टुडेज लेक्चर।